नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी दूतावास ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को जारी किया अलर्ट। भारत में आईसिस कर सकता है हमला, ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की दी नसीहत। आज पाकिस्तान के परेड ग्राउंड में रैली करेंगे इमरान खान। पनामा पेपर्स मामले में पीएम नवाज शरीफ पर साधेंगे निशाना, सुप्रीम कोर्ट का भी करेंगे धन्यवाद। कोर्ट ने शरीफ के खिलाफ दिए थे जांच के निर्देश। 2 साल बाद इराक के दूसरे बड़े शहर मोसूल में घुसी इराकी सेना, टीवी स्टेशन पर हासिल किया नियंत्रण। मोसूल को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से मुक्त कराने में लगी है सेना। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की परमाणु धमकी का दिया जवाब। समुद्री क्षेत्र में गोल्फ बॉल के आकार का रडार किया तैनात। किसी भी मिसाइल को पहचानने और फिर उसे ध्वस्त करने के लिए रॉकेट को दिशा देने में है सक्षम। बलूचिस्तान के कद्दानी यार्ड में विस्फोट, 14 मजदूरों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तेल टैंकर को ध्वस्त करने के दौरान हुआ धमाका। ब्राजील के शहर सांटा मारिया डो में स्टोन हाउस झहा, 10 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। पुलिस समेत दमकल कर्मचारी और चिकित्सा सहायक राहत कार्य में जुटे। चीन में चोंगकियांग नगर पालिका के कोयला खदान में हुआ गैस विस्फोट, 33 खनिकों की हुई मौत, 15 से ज्यादा घायल। जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।